दस द जीनो टाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स वो आप सुन लो यहाँ एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको F2 टू जनरेशन में फेनोटिपिक रेशियो कितना मिलता है थ्री रेशियो वन क्या मिलता है थ्री रेशियो वन मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑल प्लांट होंगे और ट्वेंटी फाइव परसेंट डो प्लांट है ना ये भी आप लिख सकते हो सेवेंटी फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसा भी आप लिख सकते हो परसेंटेज के टर्म्स में लेकिन बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ टोटल टू फिफ्टी प्लांट हैं टू फिफ्टी में वन ट्वेंटी फाइव प्लांट टॉल है तो बाकी कितने बचे वन ट्वेंटी फाइव टोटल ढाई सौ है ना एक सौ पच्चीस टॉल और एक सौ पच्चीस यहाँ पर जो फेनोटिपिक रेशियो आ रहा है वो फिफ्टी फिफ्टी हो गया इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट है प्लांट के वो प्योर नहीं है ध्यान रखना ये चीज हमेशा आपन ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो आपने ने क्या लिया था प्योर टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी और प्योर डॉर्फ स्मॉल टी स्मॉल टी लेकिन अब ये केस नहीं है जब भी एफ टू जेनरेशन का फेनोटिपिक रेशियो फिफ्टी परसेंट आए इसका मतलब जो डोमिनेंट वाला है जो टॉल है वो इमप्योर है या वो हैट्रोजाइगस है होमोजाइगस नहीं है तो अब उसका जेनेटिक मेकअप ये नहीं होगा दिस इज़ रॉन्ग क्या होगा कैपिटल हो टी स्मॉल टी ये टॉल का हो गया और शॉर्ट का तो स्मॉल टी स्मॉल टी तभी ये शॉर्ट रहेगा है ना रिसेसिव है तो रिसेसिव तो जब होमोजाइगस होता है तभी आपका सेम होता है अब देखो यहाँ पे अब आप चाइन का क्रॉस करवा लो टेबल बना लो आप ये भगवान मालिक ये आपने यहाँ टेबल बना लिया छोटा सा एक मिनट बेटा हाँ तो, तो, कई बार मेरे को लगता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि जो इंसान के मन में चल रही हो ना डिज़ाइन ड्राइंग, वो कंप्यूटर में बन जाए ऐसा सॉफ्टवेयर हो आपसे कनेक्टेड या आपके ब्रेन से कनेक्ट हो जाए या कुछ ऐसा तो ये इतना टाइम ना खर्चो पता ये सारे इन्वेंशन होने चाहिए शायद हो भी गए हो पता नहीं कुछ जगह तो हुए होंगे बट फिर वो बहुत कॉस्टली होगा लाइक हम लोग जिससे गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते देखो यहाँ पे आप करके देख लो ये क्रॉस पहले इसका लिखो ये जो टॉल वाला पेरेंट है ये टॉल वाला पेरेंट है और ये डोअर्फ वाला पेरेंट है टॉल वाले के क्या है अलील कैपिटल टी स्मॉल टी और डॉर्फ वाले के स्मॉल टी स्मॉल टी इसने अपना कैपिटल टी दिया ये आपका टॉल वाला है और ये आपका डोर्फ वाला है इसने कैपिटल टी दिया इसने स्मॉल टी दिया फिर से इसने कैपिटल दिया इसने स्मॉल टी दिया फिर इसने स्मॉल टी दिया इसने स्मॉल टी दिया इसने स्मॉल टी दिया इसमें स्मॉल टी दिया तो टॉल कितने बने ये दोनों टॉल हैं तो आपको दो टॉल मिले और डॉर्फ कितने मिले आपको दो डोर्फ मिले तो रेशियो कितना हो गया फिफ्टी परसेंट टॉल और फिफ्टी परसेंट डॉर्फ आधा आधा हो गया तो ये कब पॉसिबल है जब पहले वाले का फिनोटाइप क्या हो जो टॉल वाला है हाइट्रोजाइगस हो मिक्स हो एक उसमें एक उसमें डोमिनेंट हो और एक उसमें रिसेसिव हो तो ये आप रट लो तो आपको बार बार क्योंकि जनरली क्वेश्चन आएगा तो एम सी क्यू टाइप में आएगा या फिर सीधे लिखने को आएगा तो आपको बार बार उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय कीप लविंग कीप सपोर्टिंग